हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, इसकी थ्योरम 7.5 का प्रूफ समझेंगे। थ्योरम 7.5 इज आरएचएस कांग्रेस रूल। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कांग्रेट। तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है कि दो ट्रायंगल्स ए बी सी है और डी ई एफ है, ये कैसे हैं, राइट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि बी पॉइंट पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है और इस वाले ट्रायंगल में ई पॉइंट पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। फिर हम लोग को गिवन है कि इनकी जो हाइपोटेन्यूज है वो भी इक्वल है। तो इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी वाली साइड और इसका हाइपोटेन्यूज मीन्स डी एफ वाली साइड, ये साइड्स इक्वल है और साथ में ही एक साइड भी इक्वल है, यानी कि यहाँ पे अगर हम माने कि BC वाली साइड जो है वो EF के इक्वल गिवन है हम लोग को, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रेट होंगे, ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ कराना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें RHS कांग्रेस ही प्रूफ कराना है, तो इसको प्रूफ कराने के लिए ये कंडीशंस हम लोग को गिवन है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेट है, ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है। तो इसको प्रूफ कराने के लिए हम लोग जो दूसरी हम लोगों ने इसके पहले कांग्रेस वाली थ्योरम्स करी है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो फर्स्टली इसमें गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle DEF. Construction. जिस तरीके से हम लोग ने थ्योरम इसके पहले 7.4 वाली प्रूफ कराई है, कुछ उसी तरीके से हम लोग की ये वाली थ्योरम भी प्रूफ होगी। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, DE वाली साइड को इसको हम और एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। इसको हमने P पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया और ये PE वाली जो लेंथ हम लोगों ने इस तरीके से बनाई है कि ये AB लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है। तो AB के इक्वल हमने यहाँ पे PE को बनाया है एंड देन F पॉइंट से इसको जॉइन कर देंगे, ओके। तो ये चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कि एक्सटेंड DE to P such that PE is equal to AB and join PF. Proof. यहां पे हम लोग देखिए ABC वाला ट्रायंगल लेंगे और PEF वाला ट्रायंगल लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एंगल जो बनेगा ये लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पे ये वाले एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर है, क्योंकि ये हम लोग को 90 डिग्री का गिवन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल भी हम लोग को 90 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का हो गया, साथ में हमने ये साइड इसके इक्वल बनाई है और बीसी साइड हमें ईएफ के इक्वल गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीईएफ, फर्स्टली लिखेंगे एबी इज इक्वल टू पीई, ये हम लोगों ने बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन होगा इसलिए इक्वल, एंड देन एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पीईएफ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BC side is equal to EF side because ये given है हम लोग को, यहाँ पे ये चीज given है, ठीक है। तो यहाँ पे congruency कौन सी condition लग रही है, देखिए side angle side, okay। तो दोनों triangles जो है यहाँ पे congruent proof हो गए, triangle ABC is congruent to triangle PEF by SAS rule, okay। तो अब हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रेट प्रूफ करा दिया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेट हैं, तो इट मीन्स जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए सी वाली जो साइड है वो पी एफ के इक्वल आएगी, ठीक है, ए सी वाली जो साइड है वो पी एफ के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ए सी इज इक्वल टू पी एफ, और यहाँ पे दोनों का रीजन हो गया बाय सीपीसीटी करिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स। अब थ्योरम में हम लोग को क्या गिवन था कि एसी वाली जो साइड है यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो इसके हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, ये हम लोग को थ्योरम में गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एसी इज इक्वल टू डी एफ, बिकॉज ये गिवन है तो इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के एलएचएस यहाँ पे इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के आरएचएस भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि डीएफ इज इक्वल टू पीएफ, तो डीएफ साइड जो है वो पीएफ के इक्वल है, ये वाली साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए पीडीएफ वाले ट्रायंगल में ये हमें एक आइसोसेलीस ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। तो आइसोसेलीस ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल्स होंगे यानी कि इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल डी पी एफ इज एन आइसोसेलीस ट्रायंगल, ठीक है, डी पी एफ एक आइसोसेलीस ट्रायंगल है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि एंगल डी जो है वो एंगल पी के इक्वल है, और जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया था इन दोनों ट्रायंगल्स को तो हम लोगों ने ये क्या कहा था कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है। अब हम लोग को क्या मिला, एंगल डी एंगल पी के इक्वल है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि एंगल पी यहाँ पे दोनों की आरएचएस सेम है तो हम एलएचएस को सेम कर सकते हैं, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। अब जो हमारा मेन पर्पस था कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना था, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं। लेंगे कौन सा, ए बी सी वाला ट्रायंगल और डी ई एफ वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें देखिए एंगल यहाँ पे इक्वल मिल रहा है। अब ये वाला एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया, साथ में एसी वाली साइड जो है वो डी एफ के इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग लिखते हैं कि एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यहाँ पे इसका रीजन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबव, और साइड कौन सी, एसी वाली जो साइड है वो इक्वल है डी एफ के, लोग को गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, इस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय ए ए एस रूल। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।